नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरुखाबाद में यूपी की आवाज की खबर का असर हुआ है। यूपी की आवाज ने होमवर्क मांगने पर बच्चों की पिटाई की खबर प्रमुखता से चलाई थी। चैनल का संज्ञान लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दोनों महिला शिक्षा मित्रों का स्कूल में अलग अलग ब्लॉक के स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारी ने 7 दिनों में स्कूल ज्वाइन न करने पर निलंबन की दी है चेतावनी। फरुखाबाद में होमवर्क मांगने पर बच्चों की पिटाई के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार से बच्चों के परिजनों ने लिखित शिकायत करने के बाद जांच कर दोनों शिक्षा मित्रों को दोषी पाया था, जिस कारण उनके गांव के स्कूल से हटाकर दूसरे विकास खंडों के स्कूल में भेज दिया गया है, जहां पर दोनों को 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। लेकिन दोनों शिक्षा मित्रों ने ज्वाइन करने की जगह नेतागिरी करना शुरू कर दिया गया है। दिए गए तो पता ही चला दो तरीके के स्वेटर। देखो, ये बच्चा अलग तरीके का पहना, वो अलग तरीके का पहना, तो ऐसे ही आए होंगे। ये कहां से आए? ये भाई मोहम्मदाबाद विकास खंड शिक्षा अधिकारी शमशाबाद खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। उसके बाद उनका अवलोकन के बाद बिहार में मीरा सिंह दोनों को शिक्षण कार्य बंद करने का आदेश दे दिया गया है। उसके साथ ही 7 दिन में जिस शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा गया था, यदि ज्वाइन नहीं किया तो उनकी शिक्षा मित्र का जो पद उनसे मुक्त कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें, विकासखंड बड़पुर क्षेत्र के गांव भाऊपुर खुर्द के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र रेखा कटियार और मीरा सिंह दोनों शिक्षा मित्र मेहंदी लगाने का काम कर रही थी। रेखा कटियार मीरा सिंह के सिर में मेहंदी लगा रही थी। बच्चे बार बार उनको देखने के लिए खड़े हो रहे थे, जिसके मुख्य कारण यह था कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक के सभी छात्रों को एक ही कमरे में बिठा लिया गया था। जब छात्रा डॉली व छात्र राज ने मेहंदी लगा रही मैडमों से होमवर्क मांगा तो गुस्से से तिलमिलाई शिक्षा मित्रों ने बच्चों की पिटाई कर दी। अपनी माँ व बच्चों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के पास पहुंच गई, फिर उनके सामने ही पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया। वो शिक्षा मित्र उस दिन को विद्यालय में उपस्थित थे और अपने बालों में मेहंदी लगाए हुए। बच्चे आपस में खेल रहे होंगे तो इन दोनों बच्चों को उन दोनों महिलाओं ने मार दिया था। उसके उनके गार्जियन उन बच्चों को लेकर के यहाँ पे भी आए थे और मैडम को भी इसकी सूचना दी। तो प्रशासनिक आधार पर जो एक आधार बनता है, उस आधार पर इनको इस विद्यालय से 2 अलग अलग ब्लॉकों में इनको ट्रांसफर कर दिया गया, इनको स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे ये यहाँ से हट जाए और यहाँ का माहौल अच्छा हो जाए, जिससे पठन पाठन बेहतर हो सके। जिसमें आपने नोटिस भी दिया था कि 3 दिन के अंदर विद्यालय को अगर जो है उसमें नहीं ज्वाइन किया तो उनको जो है निलंबित करने कार्रवाई की जाएगी। नहीं नहीं, हाँ, मैंने ये 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में वो अपना जिस विद्यालय में अलाट हुआ है वहाँ पे ग्रहण करेंगे, फिर वो उसकी रिपोर्ट करेंगे। 1 हफ्ते होने को है, ये मैं दायित्व शिक्षा अधिकारी बड़पुर को दिया हूँ, तो इसकी सूचना बड़पुर बीओ के द्वारा आएगी, फिर उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें राजनीति के लिए जा रही है, ज्ञापन दिया जा रहा है? हाँ, इसमें मतलब अनायास बाहरी लोगों के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है कि नहीं, इनको क्यों हटा दिया जाए, इनको यहीं रहना चाहिए, पास में यहाँ रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इनको स्थानांतरित किया गया है तो वो नियम संगत किया गया है प्रशासनिक आधार पे, क्योंकि आरटीई एक्ट के अंतर्गत किसी भी बच्चे को विद्यालय में मारना ये उस श्रेणी में आता है, तो किसी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। इन्होंने अगर गरीब बच्चों को मारा है तो घृणा कर देता है, अगर इसके आधार पर अगर उनको स्थानांतरित किया गया तो उनके लिए अच्छा लगता है और वो उसके विद्यालय में उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या उनको नोटिस तामील करा दिया गया? हाँ, वो उनका ऑर्डर दे दिया गया, आश्रम का ऑर्डर दे दिया गया, कार्यमुक्त भी हो चुके हैं।